आज के पहले ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कैनन ने ऐसे कैमरा लॉन्च किए जो लोअर एंड में हो लेकिन उनके फीचर जो है मैच करते हो उनके अपर कैमरास से। लाइक कैनन यूएस आर 10 में जो फीचर्स है ऐसे सिमिलर फीचर आपको देखने को मिलेंगे कैनन यूएस आर 6 में, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो गाइस उन्हीं कैमरा के बारे में बात करते हो। और एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं अभी वीडियो नहीं बनाने वाला था, ये मंथ मैं पूरा ब्रेक लेके अपना सेटअप कंप्लीट करके वीडियो बनाने वाला था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। तो इट्स कम्प्लीटली ओके, मैं जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी से, राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो सेंसर की बात चल रही है तो सेंसर की बात कर ही लेते हैं। 24 मेगापिक्सल का APS-C साइज का सीमो सेंसर है, ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस देता है जो कैनन में बहुत ही अच्छा चलता है। एनिमल ऑटो फोकस, ह्यूमन ऑटो फोकस, कार का ऑटो फोकस, ये सारे फीचर्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। 15 FPS आप कंटिन्यूसली शूट कर सकते हो और तो आप 30 FPS में भी रॉ फोटो शूट कर सकते हो बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों स्टर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस कैमरा के लिए। तो काइंड ऑफ इस कैमरा को थोड़ा सा मेरे हिसाब से नो गेम बताता है, क्योंकि APS-C साइज़ में अगर आपको इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता तो फिर कैमरा लेने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आप बाय कर सकते हो Fuji XS10। सो बढ़ते हैं इसके वीडियो के फीचर्स की तरफ। तो आपको इसके अंदर मिलेगा 4K 30 FPS और 4K 60 FPS 1.5x क्रॉप के साथ। आपको 30 FPS में फुल सेंसर रीड आउट मिलेगा, 60 FPS में आपको 1.5x क्रॉप मिलेगा। फुल HD वीडियो मिलेगी और आपको H.265 वाली फाइल मिलेगी, 422, लेकिन रॉ नहीं होगी, 8-bit की ही फाइल होगी। तो मेरे हिसाब से लोअर एंड पर इन लोगों ने काफ़ी अच्छे फीचर दे दिए, फुल HD 120 FPS 4K 60 1.5x क्रॉप के साथ। तो दैट्स अ रियली रियली गुड थिंग कि कैनन जो है अपनी जो है पुरानी बुरी आदतें छोड़ रहा है और नई आदतें अपना रहा है। तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको और भी कैमरा के साथ ऐसा करना चाहिए। तो उनके कैमरा वीडियो के लिए बकवास ना बने और फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा अच्छे ना बने। सो बढ़ते हैं इसकी बॉडी की तरफ। ये बॉडी डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू है, काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अंदर आपको माइक और हेडफोन का जैक देखने को मिलता है और एक प्लस पॉइंट ये भी कि इसके अंदर आपको जॉयस्टिक मिलती है। इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से इसके अंदर जॉयस्टिक मिला काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है मेरे हिसाब से। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि इस तरीके के फीचर्स भी इन लोगों ने दिए हैं। इसके अंदर आपको फ्लिप स्क्रीन मिलती है और तो और इंटीग्रेटेड फ्लैश मिलती है। जब कैमरा के अंदर फ्लैश हो तब आपको समझ जाना चाहिए कि बेसिक एंट्री लेवल कैमरा ही बनाया है कंपनी ने। इसके अंदर लगती है LP17 बैटरी जो मेरे कैनन 200D में लगती है, काफ़ी सारे कैनन के लो एंड कैमराज में लगती है। ये बैटरी काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देती है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना, आपको बहुत सारी ऐसी बैटरीज बाय करनी पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी 4 है, 2 कैनन के ओरिजिनल और 2 डिजिटेक की प्लेटिनियम। सो इतने से काम चलाना पड़ता था। इस कैमरा के साथ भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इतनी बैटरीज तो चाहिए ही होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली है, जैसे कि इसके अंदर से आप फॉर एग्जांपल डिस्प्ले कनेक्ट करके कितना आउटपुट ज़्यादा ले सकते हो, और आपको इसके USB टाइप सी के पोर्ट के अंदर आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैनन USR के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर आपको USB से पावर करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो इस कैमरा को एक बार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फाइनल आउटपुट के बाद मुझे पता चलेगा कि ये सब चीज़ें कंफर्म हुई या नहीं हुई। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 70,000 से 80,000 के बीच में इंडिया में लॉन्च होगा, और इसकी लॉन्च डेट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है कि अभी मार्केट पूरा जो है शॉर्ट हुआ पड़ा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है भाई मैं क्या करूँ। सो मार्केट शॉर्ट हुआ पड़ा है, तो जब खुलेगा तब पता चलेगा कि ये इंडिया में कितनी प्राइस पे आता है, इसके और भी फीचर्स क्या क्या है। सो गाइस दिस इज़ द वीडियो बस कैनन यूएस आर 10। So, see you in the next video. IFP signing out.